पिछले 4 महीने से आखिर क्यों जिला अस्पताल उधमपुर में बंद पड़ी है सीटी स्कैन की मशीन? क्यों मरीजों की जिंदगी के साथ किया जा रहा है खिलवाड़? मेरे टीम में ये मांगते थे डिजिटल एक्सरे, वो भी मांगते थे डिजिटल एक्सरे, चला दो एक्सरे चला था, लेकिन डिजिटल एक्सरे बड़ी आंखें देखी होगा। जो लोगों की जेन्युइन डिमांड्स हैं वो इनके आगे रखी जाएं, अगर वो डिमांड्स पूरी नहीं होती उसके बाद हम फिर प्रदर्शन के बारे में भी सोचेंगे। दैनिक स्टार समाचार में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं अरुण शर्मा। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित मगोत्रा द्वारा जिला अस्पताल उधमपुर का एक दौरा किया गया और इसमें जो नए सुपरिटेंडेंट साहब आए हैं उनसे मुलाकात की गई है। मैं आपको बता दूं कि ये सुपरिटेंडेंट साहब जो हैं डॉक्टर बीएल चौधरी, ये भी 4-5 दिन ही हुए हैं इनको उधमपुर हॉस्पिटल ज्वाइन किए हुए, और सुमित मगोत्रा ने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज उनसे मुलाकात की और उधमपुर में मरीजों को आ रही परेशानियों को लेकर अवगत करवाया। मेरे टीम में ये मांगते थे डिजिटल एक्सरे, वो भी मांगते थे डिजिटल एक्सरे, चला दो एक्सरे चला था, लेकिन डिजिटल एक्सरे बड़ी आंखें देखी होगा। दूसरा त्रिया नाम है कि अगर देखिए तो बोलो बात सर, ये कि ये पर्ची काउंटर है, जिला पर्ची भी होती नहीं, लगता कि बड़ी लंबी लाइन लगी थी ग्राम जिला माता सारे लोग आते हैं, बड़ी लंबी लाइन थी तो लाइन च कई बार अद्धा अद्धा घंटा लाइन च लगी जाते, अस चाहते हैं कि पर्ची काउंटर जो थोड़ा उधर कम से कम 2-3 बंदे बेही जाए ताकि रश डिवाइड हो जाए, जिन्हें 15 घंटा लगना वो 15 मिनट ही कम हो जाए, है ना। फिलहाल अस ये चाहते हैं कि साड़ी अज की डिमांड वेलकम भी है थोड़ा, कहना कहना मस्त। उन्होंने इस बात के ऊपर भी चर्चा की कि आखिरकार जो 3-4 महीने से सीटी स्कैन मशीन खराब पड़ी है, बंद पड़ी है, आखिर क्यों उसे ठीक नहीं करवाया जा रहा, और मरीजों को और भी कई तरह की दिक्कतें जो हैं वो आ रही हैं, उनकी मरीजों की जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसी को लेकर आज सुपरिटेंडेंट साहब से उन्होंने मुलाकात की और पीसफुल तरीके से जो बात जो है वो आगे बढ़ी, और उसके बाद सुपरिटेंडेंट साहब ने भी ये माना कि मशीन जो है वो ख़राब है, लेकिन कल ही कुछ लोग जो कुछ इंजीनियर आए थे और उस मशीन को चेक करके गए और उम्मीद जताई जा रही है कि 2-4 दिन तक ये सीटी स्कैन की मशीन जो है वो फिर से काम करना शुरू हो जाएगी। तो आइए दिखाते हैं क्या कहते हैं एमएस साहब और क्या कहते हैं सुमित मगोत्रा। बाकी जो आप सीटी स्कैन की बात कर रहे हैं, सीटी स्कैन आप ठीक बोल रहे हैं, काफी देर से काम है, लेकिन अभी आप प्रैक्टिकली जाकर नीचे देख सकते हैं कि इंजीनियर काम में लगा हुआ है। कल से सामान उसका कहीं से आना था, स्पेयर पार्ट वो आ गए तो वो ही जान दी जाब, उसने बोला है अकॉर्डिंग टू हिम कि 1-2 दिन में ओके हो जाए। तो दूसरी जो क्यू लाइन काउंटर बना दिया, आप देख सकते हो जाते वो 10 से 1 बजे तक होता है, जब इमरजेंसी आर्ट्स होते हैं बहुत रश होता है तो बाद में ठीक। तो थोड़ी दिनों की बात है जो मेडिकल कॉलेज बन चुका है ना, वहाँ से जितनी सेंशन पोस्टें होंगी सभी डॉक्टर, कोई इशू नहीं है, डॉक्टरों की कोई इशू नहीं है, सारा ठीक है। वो तो धीरे धीरे देखिए, जैसा कि लगातार लोगों द्वारा शिकायतें मिल रही थी कि जिला हॉस्पिटल में कई महीनों से सीटी स्कैन की मशीन ख़राब पड़ी है, डिजिटल एक्सरे का जो यहाँ पे है वो भी बंद पड़ा है, दूसरा एक्सरे चल रहा है डिजिटल एक्सरे नहीं चल रहा, ऐसे कुछ इश्यूज थे जिसको लेकर के आज हम बड़े दिन से सोच रहे थे कि हॉस्पिटल के खिलाफ हमने जिला हॉस्पिटल प्रशासन का घेराव करना है और अपनी डिमांड्स रखनी है, लेकिन हमें पता चला कि 2 रोज़ पहले यहाँ पर नए सुपरिटेंडेंट आए हैं, तो हमें यह लगा कि क्यों ना पहले अपनी जो लोगों की तरफ से जो लोगों की जेन्युइन डिमांड्स हैं वो इनके आगे रखी जाएं, अगर वो डिमांड्स पूरी नहीं होती उसके बाद हम फिर प्रदर्शन के बारे में भी सोचेंगे। लेकिन आज हमें, मैं आपके मीडिया के माध्यम से यह बता दूं कि सुपरिटेंडेंट के आगे जो नए यहाँ पे आए हैं उनके आगे जो डिमांड्स, हमारी मुख्य जो डिमांड थी, एक तो सीटी स्कैन की मशीन तुरंत ठीक करवाई जाए, और उन्होंने हमें बताया कि सीटी स्कैन की मशीन ठीक करने का काम चल रहा है, 1-2 दिन में सीटी स्कैन की मशीन ठीक हो जाएगी। दूसरी जो डिजिटल एक्सरे खराब है उन्होंने हमसे माना है कि विद इन डेज वो भी ठीक हो जाएगा, और जो पर्ची काउंटर है यहाँ पे जो मेन बात थी कि जब सुबह पेशेंट जो यहाँ पे ओपीडी के लिए पर्ची कटवाने आते हैं यहाँ पे एक ही पर्ची काउंटर है, जिसके कारण लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं, और ख़ास तौर पर बुजुर्ग व जो प्रेगनेंट लेडीज़ हैं वो 1-1 घंटा लाइन में लगे रहते हैं। उन्होंने हमें बता दिया कि उन्होंने कल से ही यहाँ पे सीनियर सिटीजन जो हैंडीकैप के लिए अलग से लाइन लगेगी और पर्ची काउंटर एक और खोला जाएगा। उसके बाद हमने ये भी मांग रखी कि इन सब के साथ जब कोई एक्सीडेंट यहाँ पे होता है, कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है, हमने देखा यहाँ पे कि ड्यूटी डॉक्टर के सिवाय सीनियर डॉक्टर यहाँ पे पहुँचने में टाइम लगाते हैं,
कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक्सीडेंट जब भी हो यहाँ पे लोकल डॉक्टर्स को तुरंत बुलाया जाए, ताकि यहाँ पे जो रेफर किए जाते हैं उनको रेफर ना किया जा सके और मरीजों की जान बचाई जा सके। और हमें लगता है जो आज हमारी मुलाकात हुई, जो हमने अपनी डिमांड्स रखी, कुछ तो उन्होंने अभी बोला कि ये पूरी की जाएंगी, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये लोगों की तरफ से जो डिमांड्स रखी ये पूरी की जाएंगी। और अगर डिमांड्स पूरी हो जाएं, यहाँ पे जो गरीब लोग आते हैं, जो जनता आती है, उनको कोई दिक्कत ना आए, तो हमें भी कोई शोक नहीं है धरने प्रदर्शन करने का। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो नए सुपरिटेंडेंट आए हैं, बातों से तो लगता है कि ये डिमांड्स पूरी करेंगे और हॉस्पिटल का जो शिकायतें आ रही है वो दूर होंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मीडिया वाले जानते हैं फिर हमारा अगला कदम क्या होगा। धन्यवाद।